चलिए क्वेश्चन नंबर सी 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 क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर दीजिए बेटा। सी देखो जैसे ये हाउस है उसके एकदम रिजेम्बलेंस कौन है, ये टेंट हाउस है, वैसे कार जो है इसके रिजेम्बलेंस कौन सी होगी, कार्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कार्ट जो हमारा हो गया कार्ट, तो ऑप्शन आएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है बोलिए कोई डाउट। नो सर। तो फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चे ये आप लोग की क्लास नहीं है, एट्थ नाइन्थ सेवेंथ की क्लास। चलिए बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन बी। हाँ जी बी आएगा, ये तो गाड़ी सी है ना, बी तो है बी। क्यों आएगा भाई बी आंसर क्यों आएगा? मैं आई सर, कैन आई एक्सप्लेन? ओके सर। बटर को हम चाकू से काटते हैं सर, तो लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटेंगे। अच्छा कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स एक्स बोलते हैं। मैचेट मैचेट। देखो जैसे हम ब्रेड को चाकू से काटते हैं उसी तरह लकड़ी को किससे काटेंगे, कुल्हाड़ी यानी एक्स से। तो ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। बोलो जी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इजी है ना, मिलोगी? यस सर। ठीक है ना, इजी ना हार्ड? क्वेश्चन नंबर तो सर कभी कभी आ एट। सर ये रेड के साइड में क्या बना हुआ है, गिलहरी के साइड में? ये वॉर्म है, वॉर्म। सर डी ऑप्शन वॉर्म। अच्छा वॉर्म आएगा सर। क्यों डी क्यों आएगा? क्यों गिलहरी है सर, ये नारियल की तरह से क्या ये खाती है? और ये वॉलनट है, ये क्या है, ये वॉलनट है। तो गिलहरी अगर वॉलनट खाती है तो चिड़िया क्या खाती है, वॉर्म खाती है, यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। बोलिए कोई डाउट? नो सर। नो सर। नेक्स्ट ये खत्म हुआ, अगला असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट। सर सी आएगा, सॉक्स फिट। बोलो जी बाकी लोग। सर क्योंकि सर हम ग्लव को हैंड में इसको फुट में पहनेंगे। नेक कॉलर नहीं आ सकता बेटा? सर नहीं सर, नेक कॉलर तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर एक बार सॉक्स फिट तो आ ही गई सर, क्योंकि हम सॉक्स को फिट में पहनते हैं। नहीं देखो यहाँ पे ना ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। देखो ग्लव जो है वो हैंड में पहना जाता है, ऑर्डर चेक करो, पहले ग्लव है फिर हैंड है। यहाँ पे कॉलर को नेक में पहना जाता है, ऑर्डर उल्टा हो रहा है, लेकिन सॉक्स जो है वो फीट में पहना जाता है, इसका भी ऑर्डर ठीक चल रहा है। यस इसलिए ऑप्शन सी सही है बेटा, यहाँ पे अलग लॉजिक था आपका। कुछ लोग नेक कॉलर भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है बेटा, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुना है कुणाल? Yes, sir, yeah. तो ऑर्डर भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से ऑर्डर सेट करते हैं। बोलिए किसी को डाउट? नो सर। नो सर। तभी आपका रिलैक्स टॉपिक चल रहा है, आराम से बैठ के सॉल्व करिए और आंसर आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी बोलो जी क्या आंसर आएगा, दिमाग लगाओ। फैक्ट्री सी। अच्छा सर बी। और बी दिमाग लगाओ ठीक से, जड़ा भी गलती हुई तो सवाल गया। सर सी आंसर आएगा सर, लेबर फैक्ट्री। क्यों भाई लेबर वाला आंसर क्यों आएगा ये पहले बताओ। सर जैसे लॉयर कोर्ट में काम करता है। अच्छा और फिर सर लेबर फैक्ट्री में। नहीं देखो बेटा यहाँ पे लॉजिक ये है
एक केमिस्ट होता है उसकी खुद की लेबोरेटरी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है, पहले बताओ। यस सर। एक बिजनेस का, हाँ एक बिजनेसमैन का खुद का ऑफिस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पहले बताओ। यस सर। क्या एक लॉयर का खुद का कोर्ट होता है कभी? नो सर। जो सरकार का होता no, है। sir. और एक लेबर की खुद की फैक्ट्री कभी होती है? नो no, सर। और एथलीट ओलंपिक तो अलग चीज हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। सर मेरा सही था, लॉजिक तो गलत था। हाँ जी लॉजिक तो गलत था ना सर। लेबर ऐसे तो सर हमारे खेतों में भी होते हैं। हाँ तो क्या होते हैं कि दूसरों खेत लेबर के कभी खुद की चीज होती है कभी, ये बोले बताओ, जहाँ पे काम करते हैं? नो सर। कभी लेबर अपने खेत में काम करता है, कभी लेबर अपनी फैक्ट्री में काम करेगा? वो तो मालिक है, मालिक क्यों काम करेगा फिर भाई लेबर की तरह? भाई कंसेप्ट है ये सब जेन्युइन, एकदम देखने में सवाल बहुत आसान है लेकिन करने बैठोगे ना तो यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, वहां अटक जाता बंदा। ठीक है जी, यहाँ पे काम जो तरीका है करने का उसके ऊपर सवाल बन गया था। ठीक है जी आगे बढ़े, तो आसान yes, टफ हो जाती है कभी, बच्चों वाली चीजें होती है कभी कभी मुश्किल लगने लग जाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तो आसान सवाल है। सर पेज बुक आएगा। अच्छा और कोई? पेज बुक। लेटर से मिलके क्या बनता है हमारा? वर्ड बनता है सर। पेज से मिलकर हमारी बुक पेज बनती से मिलके है। क्या बनते हैं हमारी? बुक बनती है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी बोलो जी, कोई दिक्कत? नो सर। अगले सवाल पे चले। नो सर। तो बेटा ध्यान से ना, एनालॉजी लगती है आसान है लेकिन कभी भी दिक्कत देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, लाइवली मतलब होता है अच्छा, अच्छा हंस पुस खाने वाला इंसान, बढ़िया रहने वाला पैसा वाला इंसान, और मतलब डल आदमी होता है एकदम ढीला सा आदमी। एम्प्लॉयड जॉबलेस। अच्छा और सर हैप्पी गे। और कोई? और हैप्पी गे आएगा तो बेटा इसका आंसर आएगा एम्प्लॉयड एंड जॉबलेस। पूछो गे का मतलब क्या होता है? तो बेटा 1891 से पहले गे का मतलब होता था जो लोग बहुत खुश रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग। कौन से लोग? ऑप्टिमिस्टिक लोग। सर ऑप्टिमिस्ट तो होता है सर जो ब्राइट साइड थिंग्स देखता है। बाप नहीं नहीं नहीं, ऑप्टिमिस्टिक लोग कभी उदास नहीं होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे मूड में रहते हैं, उन्हीं का मतलब होता है गे मतलब होता है। ठीक है, और हैप्पी मतलब, तो यानी ये क्या हो गए हमारे सिनोनिम्स हो गए हैं। लिवली का उल्टा दिया डल, यानी ये एंटोनिम्स हो गए, यानी अपोजिट दे दिया गया है, तो आपको अपोजिट ढूंढना था। एम्प्लॉयड का उल्टा क्या होता है? जॉबलेस। आप डिक्शनरी सर्च मारोगे तो गे का मतलब आएगा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश की भी जरूरत है, साइंस की जरूरत है, कॉमन कॉमन चीजों की जरूरत पड़ती है एनालॉजी के अंदर। ठीक है महाराज, समझ आ रही चीजें? यस सर। तो थोड़ा सा बाकी चीजों पर ध्यान दोगे तो एनालॉजी अच्छी हो रहती है। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो थोड़े से डाउट रखते दिमाग के अंदर। बोलिए कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल। चलो ध्यान से देना सर इसका। बोलो जी फटाफट। सी टॉक विथ। सर टॉक विथ। अच्छा सी सर है तो वही सर अपोजिट है। हाँ। बट सर ये उल्ट दिया। अच्छा चलो आप शांति रखो, मैं आंसर बताता हूँ। साइलेंस का मतलब क्या होता है?
साइलेंस का मतलब क्या? सर चुप रहना सबको। और नॉइस का मतलब क्या होता है? साइलेंट। नॉइस का मतलब शोर। क्वाइट मतलब क्या होता है? मैं चुप सर, शांति चुप। और पीस मतलब भी क्या होता है? पीस शांति शांति। दोनों में ये यानी यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? ऑपोजिट चल रहा है। नेक्स्ट बार्नस का मतलब क्या होता है? सर बार्नस, हाँ टकलापन। और हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। ये ऑपोजिट हो गए सर, तो यही आएगा। हाँ टॉक मतलब क्या होता है? बोलना। विस्पर मतलब क्या होता है? बोलना, धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना। ये उल्टे कर दिए मतलब इंटरचेंज हो गए। बस बस बस। और सिंग और डांस में तो कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, तो भाई साहब आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो सी आंसर इज रॉन्ग आंसर। देखो जी चौथी क्लास का सवाल नहीं बन रहा आप लोगों से है। तो एनालॉजी बहुत टफ होती है, आसान नहीं होती है। बस तुम लोग का भी लेवल कम इजी लग रहा है। इजी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है। सर ये बोलते रहते हैं बस इजी इजी इजी, पता तो रहता है ना सर कुछ। अच्छा कौन बोलता है इजी इजी? भारत उसे एक सवाल निकल जो बस चैट बॉक्स भर देगा। इजी 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 इजी। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म ही कर लेते इसको ना, टेंशन ही खत्म। बोलो जी सर, सर रेज का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब साफ करना बेटा, गुस्सा साफ इस टाइप से। ये तो सिंपल दिख रहा है। तो देखो किक करते किसको? फुटबॉल को। इट्स अ काइंड ऑफ गेम, यानी फिजिकल वर्क हो रहा है यहाँ पे। अब देखो हो तो ये भी सकता है, हो तो ये मुंह मतलब होता है झाड़ू। झाड़ू से हम क्या लगाते हैं? सफाई करते, स्वीप करते हैं। लेकिन डी वाला जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी में, क्योंकि ये भी एक गेम की तरह यूज हो रहा है और ये भी एक गेम की तरह यूज हो रहा है, फिजिकल वर्क की तरह। तो यह आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी वाला आंसर ढूंढना था। ठीक है महाराज, हो ये भी सकता था, हो ये भी सकता था, हो ये भी सकता था। डस्ट को साफ करना, डिशेस को वॉश करना और झाड़ू लगाना। लेकिन यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो इसमें ये सर, हाँ जी बेटा सर, इसमें एक ऐसे आएगा क्योंकि सर वॉश डिशेस है ना, तो सर हम डिशेस को थोड़ी वॉश करते हैं सर, यूटेंसिल्स को करते हैं। नहीं जैसे नॉर्मली इंग्लिश पढ़ोगे ना तो वहां पे जैसे इंग्लिश है ना, तो वॉश अ डिश, डिश जो होता है वो एक कटोरे या प्लेट को बोला जाता है बेटा। बोलते नहीं है डिश वॉशर, वर्ड सुना ये डिश वॉशर? डिश वॉशर क्या होता है? वो पति, वो बड़ा सा वो होता है जिसके अंदर पानी खट्टा था, इसके अंदर साफ करते हैं पतीला। डिशेज मतलब यहाँ पे वो डिशेज नहीं है, यहाँ पे डिशेज जैसे बता, वुड्स का मतलब क्या होता है? सर सामान बोल सर, लकड़ी ना, इसका मतलब इंग्लिश में जंगल। Into the wood, यानी woods का इंग्लिश यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो woods जो होता है वो इंग्लिश, वो जंगल के लिए यूज किया जाता है। पूछना इंग्लिश वाली मैम को, मैम woods जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होते हैं, तुमको बताएगी वो? ठीक है, जंगल के लिए। चलिए बोलिए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। नो सर। चलिए अगला सवाल सर, एनर्जेटिक लेजी। और मॉर्निंग नाइट नहीं हो सकता सर? हाँ आ सकता सर। बेटा यहाँ पे देखो किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे सन से रिलेटेड बात हो रही है। सी। तो सन से रिलेटेड क्या चीज आ सकती है? सनराइज, सनसेट। सनराइज किसको बोलते हैं? मॉर्निंग को। और सनसेट किसको बोलते हैं? नाइट को। बेटा कॉमनली सी आंसर है इसका। तो ठीक है नो सर, ये जैसे आप सनराइज एनर्जेटिक होते हैं, सनसेट तो वो भी हो सकता है। देखो वो तो ये है, नून का मतलब, नून को उल्टा कहते हैं मिडनाइट,
डॉन मतलब कहता है थोड़ा सा धुंधलापन, ट्विलाइट मतलब होता है रोशनी वाला, हो तो ये भी है तो ये भी है तो ये भी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा वो आपको सोचना है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बच्चे एनालॉजी में जल्दी टिक नहीं लगाते हैं। चलो जी बोलो जी, डी डी, और ध्यान देना फिर से गलती ना हो जाए। हाँ जी क्या आंसर आएगा? सर बी बी, अच्छा बी तो बिल्कुल गलत है सर, ए। अच्छा और डी, और सर सी है, लिख के ले लो सी। इसका आंसर है सी ऑप्शन। देखो इधर वो चीज है जहां पे उतरता है, जहां पे रुकता है, और यहाँ पे वो चीज है जो चीज रुकती है। यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोड्रोम मतलब होता है हवाई अड्डा, ये उल्टा हो गया। होटल टूरिस्ट, बेटा होटल जो होता है टूरिस्ट जो होता है होटल में रुकता है, वहां पे उतरता है, ये लैंडिंग वैंडिंग नहीं करता है, ठीक है। और फुटपाथ और ट्रैवलर, भाई ट्रैवलर जो होते फुटपाथ पे उतरते नहीं है, वहां पे नॉर्मली चलते हैं, ठीक है। वो एक कंटिन्यूस वो होता है चेंजिंग पोजिशन। क्वे मतलब होता है समुद्री, जहाँ पे जहाज रुक के जाते हैं, रुकते हैं सामान वामान उतारते हैं फिर वापस निकलते हैं। ये दोनों एक ही जगह पे है, ट्रेन एंड शिप एक जगह है, क्वे एंड प्लेटफॉर्म एक जगह है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। बहुत ज्यादा लॉजिकल है ये, मेरे को तो पहले ये भी नहीं पता कि एरोड्रोम मतलब होता क्या, मेरे को पता ये क्या होता है भाई, जैसे इसका मतलब नहीं पता था, इसका मतलब नहीं पता था मेरे को, क्वे का मतलब क्या होता है, तो फिर इंग्लिश वर्ड देखने पड़ेगा। मुझे पता था सर, इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। तो हर सवाल अपने लेवल पे है कुछ ना कुछ। बोलो जी कोई डाउट? हाँ जी कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सर ये बी में बुलेट का मतलब क्या है? बुलेट से आगे क्या लिखा है सर? बैरली का मतलब क्या है? जहाँ पे बुलेट लाया जाता है, समझे? क्या सर? बैरल जो होता है ना, वो बुलेट ट्रेन जो होती है ना, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी पटरी होती है सर। बी तो बता ही दिया मैंने सर, बताओ अब तक हमारे देश में बुलेट ट्रेन तक नहीं। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन, बुलेट बैरल। इसका ये क्वेश्चन है, वैसे मेरे को डाउट है थोड़ा सा ना, इस क्वेश्चन में को डाउट है, चलो छोड़ो देखते हैं इसको बाद में ना, इसको छोड़ दो, नाइन्थ क्वेश्चन छोड़ दो, इसमें मेरे को डाउट है थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें काफी कुछ मिसमैच सा है, मैं चेक करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जेन्युइन है, चलो बताइए। यहाँ पे पेपर आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? पेपर आएगा, ये आएगा सर डी। सर डी, ओके। हाँ जी बोलिए आंसर। सर डी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? चौक कहाँ पे चलाते हैं? ब्लैक बोर्ड पे। तो इंक कहाँ पे चलता है हमारा? पेपर के ऊपर, दीवार पे तो चलाते नहीं है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये आपका खत्म हुआ एनालॉजी टोटली।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।